मोबाइल से वीडियो एडिटिंग की बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है जो फ्री भी हो, वाटरमार्क भी ना दे, फुल HD या 4K के अंदर एक्सपोर्ट भी कर पाए और साथ ही साथ उसे यूज करना सुपर इजी हो। अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आंसर मिल जाएगा। आप एक यूट्यूबर हो या शॉर्ट या रील्स क्रिएटर, अगर आपको वीडियो को वायरल करना है तो आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग तो करनी पड़ती ही है। अब वीडियो एडिटिंग ऐप तो प्ले स्टोर पर भरी पड़ी है, पर आपके लिए कौन सा बेस्ट है उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में कवर्ड लास्ट ऐप मेरा फेवरेट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टरी शुरू करते हैं, तो चलते हैं फर्स्ट ऐप पर। इनशॉट ऐप बहुत ही पॉपुलर और सिंपल टू यूज ऐप है। अगर आप बिगिनर है तो इस ऐप का बहुत ही जल्दी सीख जाओ। काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है इस ऐप पर, जैसे AI इफेक्ट्स, ऑटो कैप्शन, बैकग्राउंड रिमूव करना, स्लो मोशन, टेक्स्ट ऐड करना, लेयर्स, मास्किंग, 4K एक्सपोर्ट, ट्रांजिशन, की फ्रेमिंग, सभी कुछ इस ऐप पर मिल जाएगा। अगर नेगेटिव की बात करें तो कुछ बेसिक फीचर को यूज करने के लिए शायद आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ सकता है, या फिर यूज करने के लिए आपको एड देखनी पड़ेगी। यदि आप पेड वर्जन को लेते हैं तो ये आपको कैपकट या VN जैसे एडवांस वीडियो एडिटिंग फीचर्स ऑफर नहीं करते। ओवरऑल बात करें तो यदि सिंपल टू यूज और बिना कॉम्प्लेक्स और एडवांस फीचर के एक अच्छी मोबाइल एडिटिंग ऐप खोज रहे हैं तो इनशॉट ऐप आपके लिए ही है। अगली ऐप हमारे लिस्ट में है काइनमास्टर। काइनमास्टर इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। यह सबसे पहले मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप में से है, सालों से इंडिया में यूज होती आ रही है, तो इस ऐप में बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे काइनमास्टर में आपको प्रोफेशनल तरीके से आर्टिकल हाईलाइट के टूल मिल जाते हैं जो VN या कैपकट में अवेलेबल नहीं है। काइनमास्टर में आप किसी भी इफेक्ट्स को पर्टिकुलर पार्ट में यूज कर सकते हैं। यही चीज आपको किसी और ऐप में करनी हो तो वो पॉसिबल नहीं है। काइनमास्टर में आपको टेक्स्ट एडिटिंग के लिए काफी सारे एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं। काइनमास्टर की सबसे बड़ी एडवांटेज है उसका हॉरिजॉन्टल वीडियो एडिटिंग, जिससे आप एडिटिंग करते टाइम और डिटेल्स पर ध्यान दे सकते हैं। वही बाकी पॉपुलर ऐप लाइक कैपकट या VN में पर्टिकल में वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है। इस ऐप में आपको 4K में एक्सपोर्ट करने को मिलता है। इस ऐप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने इस ऐप का प्रीमियम वर्जन नहीं लिया तो इसका वाटरमार्क रह जाएगा, यानी आप फ्री वर्जन यूज करते हैं तो आपको सारे एक्सपोर्ट में वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। वही कैपकट और VN की बात करें तो वाटरमार्क हटाने का ऑप्शन रहता है फ्री वर्जन में। काइनमास्टर में आपको रेडी टू यूज इफेक्ट्स भी नहीं मिलता। किसी भी इफेक्ट्स को क्रिएट करना है तो आपको मल्टीपल ऐप को यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेरा सेकेंड मोस्ट फेवरेट ऐप VN एडिटिंग ऐप की। डायरेक्टली VN एप्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोई वाटरमार्क नहीं है। फ्री वर्जन में भी आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक कलर ग्रेडिंग, स्पीड रैंपिंग, एडवांस इफेक्ट्स लाइक की फ्रेमिंग भी है जो कि बेसिक लेवल की फ्रेमिंग नहीं है। कैपकट जैसे शानदार वीडियो एडिटिंग ऐप से भी ज्यादा की फ्रेमिंग के ऑप्शन है। बहुत सारे इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट सेटिंग में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, FPS, HDR इफेक्ट्स, 4K वीडियो एक्सपोर्ट 60fps पर भी अवेलेबल है VN एडिटिंग ऐप के ऊपर। ओवरऑल यह बहुत ही सिंपल एंड फास्ट है और यह ऐप बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। अगर आप बिगिनर वीडियो एडिटर है तो यह ऐप आपके लिए परफेक्ट है। आपको लेयर्स का भी ऑप्शन मिलेगा जिससे आपको वीडियो एडिटिंग की जर्नी इजी हो जाए। अब अच्छाई तो बहुत कर ली, अब बात करते हैं VN ऐप की खामियों के बारे में। अब देखो यह ऐप फ्री है तो ऐड होना तो लाजमी है, अल्दो उसे आप स्किप भी कर सकते हो या VN का प्रीमियम वर्जन ले सकते हो। बिना वाटरमार्क के इतने सारे फीचर्स फ्री वर्जन ऑफ दिस ऐप में आपको मिल रहे हैं, इसी वजह से यह ऐप पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। अब बात करते हैं मेरा फेवरेट वीडियो एडिटिंग ऐप कैपकट के बारे में। मेरी और दुनिया में करोड़ों लोगों की फेवरेट ऐप कैपकट को लिस्ट में नंबर 1 होना तो बनता है। डायरेक्टली कैपकट
ऐप की बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इस ऐप में आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट्स एंड फीचर्स आपको मिल जाएंगे, कोई वाटरमार्क भी नहीं है गाइस। फ्री वर्जन ऑफ दिस ऐप के अंदर बिल्ट इन AI फीचर्स है। इस ऐप के अंदर जो कैपकट को बहुत अलग बनाता है, AI फीचर्स जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना, ग्रीन स्क्रीन, ऑटो कैप्शन, ऑडियो इफेक्ट, बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूसिंग, टेक्स्ट टू स्पीच, कैमरा ट्रैकिंग, मास्किंग, मोशन ब्लर, वीडियो स्टेबलाइजेशन। गाइस, वर्ड की कमी पड़ जाएगी पर कैपकट के फीचर्स खत्म नहीं होगा। यह बहुत ही इजी एंड सिंपल टू यूज है। इस ऐप में इफेक्ट्स एंड टेम्पलेट की वजह से कम समय में अच्छा एडिटिंग कर पाते हैं। बाकी ऐप में आपको जो मैनुअली करना पड़ता है वो इस ऐप में बस एक क्लिक में हो जाता है। इस ऐप का PC वर्जन भी है। यदि आप आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियम प्रो के पेड एंड एडवांस सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना तो आप कैपकट PC का यूज करके अल्सो 90% एडिटिंग के काम खत्म कर सकते हो, क्योंकि यही ऐप TikTok से रिलेटेड है। जो यदि आप YouTube शॉर्ट्स या रील्स क्रिएटर है तो यह ऐप आपके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं कि कैपकट में ऐसा क्या है जो अच्छा नहीं है। तो VN ऐप की तरह एक्सपोर्ट के जितने ज्यादा फीचर्स हैं वो कैपकट में नहीं है, और साथ ही साथ कुछ फीचर्स एंड इफेक्ट्स प्रीमियम वर्जन में है, और कभी जो फीचर्स फ्री था वो पेड वर्जन में चेंज हो जाता है। और यदि आप लंबी वीडियो एडिट कर रहे हो तो लेयर्स का फीचर्स उतना अच्छा नहीं है VN ऐप की कंपैरिजन में। यदि आप मल्टीपल लेयर्स में एडिट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा इशू होना VN की कंपैरिजन में। कैपकट ऐप का पेड वर्जन भी है पर आपको 90% एडिटिंग आपको फ्री वर्जन में ही हो जाएगा। कुछ अच्छी मोबाइल एडिटिंग एप्स भी है मार्केट में, जैसे यूट्यूब की खुद की ऐप YT क्रिएट। एक और ऐप है मार्केट में जिसका नाम है अलाइट मोशन। यह एक एडवांस ऐप है, इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है मगर इसको यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब वीडियो ऐप तो आप डिसाइड कर लिए कि कौन सी यूज करनी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।